तो क्या दोस्तों, आप लोग भाई अपने फेसबुक अकाउंट को, दोस्तों जो आपने फेसबुक अकाउंट बनाया है उसे आप लोग डिलीट करना चाहते हैं, वो भी परमानेंटली। तो होता क्या है कि कभी कभी भाई हम लोग फेसबुक अकाउंट तो क्रिएट जरूर कर लेते हैं, पर कभी कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है और हम उस आईडी को जो हम बनाए हैं उसे हम लोग परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फेसबुक को यहाँ पर ओपन कर लेना है। और जैसे ही देखिए दोस्तों आप लोग अपने फेसबुक को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ थ्री डॉट पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही जाएंगे गाइस, देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जस्ट आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पर चले जाना है। और जैसे ही करेंगे गाइस, तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपको जस्ट नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट आपको यहाँ पर सेटिंग वाले पर करना है क्लिक। तो गाइस देखो, जैसे ही कर लोगे, ठीक है, अब यहाँ पर गाइस देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर सी मोर इन अकाउंट सेंटर दिखाई दे रहा है ना, अकाउंट सेंटर। तो बस आपको इसी पर टैप करना है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही टैप करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसी पर्सनल डिटेल वाले पर आपको जस्ट क्लिक करना है। और देखिए दोस्तों, जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस देखो, यहाँ पर ना नीचे की तरफ आ जाएगा मैनेज ऑनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको मैनेज ऑनरशिप एंड कंट्रोल वाले पर जस्ट करना है क्लिक। तो यहाँ पर चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, आपको ना दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक नीचे। तो यहाँ पर नीचे वाला जो है, ऊपर वाला नहीं कुछ करना है, नीचे वाला जो लिखा है डीएक्टिवेशन और डिलेशन, ठीक। तो आपको यहाँ पर इसी पर करना है टैप। जैसे ही करेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसे अगर आप लोग सिर्फ डीएक्टिवेट करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, परमानेंटली नहीं, टेम्परेली अगर डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप लोग डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। बट दोस्तों, आप लोग अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसे आप लोग परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहेगा तो वो परमानेंटली डिलीट ही करना चाहेगा। तो यहाँ पर आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर आ जाना है, नीचे वाले पे, ठीक। अब यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो गाइस देखो, यहाँ पे आपको क्यों डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, वो जानने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि भाई, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूजफुल, ठीक। तो यहाँ पे मैं अपना ये रीजन दे देता हूँ, आप भी कोई भी रीजन दे दीजिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू करना, और यहाँ पे लिखिए दोस्तों गेट मोर आउट फेसबुक, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब। तो गाइस यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर से आपको कंटिन्यू करना है। और गाइस देखो, जैसे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा परमानेंटली डिलीट अकाउंट, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं डिलीट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जैसे कीप मैसेंजर डीएक्टिवेशन, तो ये सब करने की आपको ये सब करना नहीं है। आपको यहाँ पे फोटो कुछ भी नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। और गाइस नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद देखा देखो, यहाँ पे ना अगर आपको डाउनलोड फेसबुक इन्फॉर्मेशन को कोई डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड इन्फो में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना फेसबुक अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो फेसबुक का पासवर्ड है ना, बस यहाँ पर उस पासवर्ड को एंटर कर लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने फेसबुक का पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर आप जैसे ही फेसबुक पासवर्ड को एंटर कर लेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करना है। और गाइस जैसे ही देखिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलेशन, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट है ना दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, डिलेट होने में ना कम से कम आपको 30 दिन, ठीक है, यहाँ पर 30 दिन में लगता है, ठीक है दोस्तों। 30 दिन के अंदर आपका जो जो फेसबुक अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बट दोस्तों, अगर आप डिलीट कर दियो, फिर बाद में अगर आप चाहते हो कि भाई यार मेरे को ये फेसबुक पेज नहीं डिलीट करना है, तो देखिए दोस्तों, 30 दिन के अंदर आप फिर से वही पासवर्ड, वही अपना जो भी आपका है यूजर नेम और पासवर्ड, आप वहाँ पर एंटर करके लॉग इन हो जाइएगा, फिर आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा। अगर 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन हो जाते हैं और उसके बाद लॉग इन करना चाहेंगे तो नहीं होगा, 30 दिन के अंदर आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंट। यहाँ पर क्या करना है, डिलीट अकाउंट पर करना है क्लिक। और गाइस जैसा ही डिलीट अकाउंट पर करेंगे क्लिक, आपका फेसबुक अकाउंट दोस्तों परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से देखिए, मेरा फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो चुका है।
ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो अपना फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना, तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।